नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये हीरो होंडा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल है और इसमें दिक्कत आ रही है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए, ये इसका स्विच ऑन है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। हम किक लगा रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है और गाड़ी में पेट्रोल भी है इसमें से। ये देखिए, पेट्रोल भी आ रहा है और हम इसका कार्बोरेटर का भी पेट्रोल चेक कर लेते हैं, कार्बोरेटर में इसमें पेट्रोल जा रहा है कि नहीं। तो इसका हम पेट्रोल चेक करते हैं, पेट्रोल कार्बोरेटर में पहुंच रहा है कि नहीं। ये देखिए, इसके ओवरफ्लो से भी पेट्रोल आ रहा है, इसका मतलब टंकी से पेट्रोल आ रहा है और कार्बोरेटर तक पहुंच रहा है। तो अब हमारे लिए इसकी इस लीड में करंट चेक करना पड़ेगा कि करंट आ रहा है या नहीं। यदि आपके सामने भी ऐसी समस्या आ जाती है, आपकी मोटरसाइकिल में समस्या आ जाती है, तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका हम इसका एडाप्टर खोलेंगे और फिर यहाँ पर करंट चेक करेंगे कि करंट यहाँ पर आ रहा है या नहीं। ये देखिए, करंट इसमें आ रहा है बराबर। अब हम इसका प्लग खोल करके चेक करते हैं कि इसके कहीं इसका प्लग तो शॉर्ट नहीं हो गया है। तो फटाफट से इसका हम प्लग खोलते हैं। लगता तो यही है कि इसका प्लग खराब हो गया है, बाकी हम इसके ऊपर करंट चेक करके देखते हैं। तो हम इसका प्लग चेक करते हैं, प्लग के ऊपर यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं। तो इसको हम इसमें लगा देते हैं, इसका हमने हेडाप्टर इसमें केबल में लगा ही दिया है। बाकी इसका हमारे लिए हेडाप्टर भी बदलना पड़ेगा जो कि खराब है। अब हम इसका करंट चेक करते हैं, यहाँ पर करंट आता है या नहीं। हेडाप्टर यहाँ इसमें प्लग में लगा देना है और प्लग को यहाँ बॉडी अर्थ करना है। कोशिश करें कि इसको ना छुएं क्योंकि आपको करंट लगने की संभावना हो सकती है। तो इसमें हम करंट चेक करते हैं, इसका करंट मिस्टेक कर रहा है, प्लग इसका शॉर्ट है। देखिए, प्लग शॉर्ट होने पर किस तरह की स्थिति बनती है इसमें। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, करंट जो यहाँ इसकी टिप पर यहाँ स्पार्क होना चाहिए, बाकी वो करंट यहीं के यहीं नीचे बॉडी अर्थ हो रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से देखते हैं, हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, इसकी टिप के ऊपर करंट नहीं पहुंच रहा। ये देखिए, साइड से होकर के, ये देखिए। और अब हम नया प्लग पर ही इसका करंट चेक करते हैं, नए प्लग के ऊपर भी करंट चेक करते हैं कि इसमें करंट अच्छे से आ रहा है या नहीं। ये देखिए, ये बॉश कंपनी का प्लग है, ये ओरिजिनल है, इसमें डुप्लीकेट भी आता है। तो आप थोड़ा ध्यान से ख़रीदें, हो सके तो शोरूम से ख़रीद लें, बाकी असली नकली की आप पहचान कर सकते हैं यदि, तो बॉश का ख़रीद सकते हैं। ये आपको 90 या 100 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। अब हमने इसमें ये प्लग लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर करंट चेक करते हैं कि करंट इस पर आ रहा है या नहीं। ये देखिए, उस वाले प्लग में आपने देखा था जो पुराना वाला प्लग है, इस वाले प्लग में करंट साइड से हो रहा होकर के आपका इधर अर्थ टिप के ऊपर करंट स्पार्क नहीं हो रहा है। अब ये नया प्लग हम इसमें लगा देते हैं मोटरसाइकिल में, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसको हमने अच्छी तरह से कस दिया है और आप भी इसको अच्छी तरह से ध्यान से कसें और इतना टाइट भी ना कसें कि हेड की चूड़ियाँ स्लिप हो जाएं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और केवल इसमें हमने प्लग बदला है और कुछ नहीं किया। इसका प्लग खराब हो गया था इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसी समस्या यदि आपके सामने भी आती है या आपकी ही मोटरसाइकिल में आती है,
तो आप भी उसको इस तरह से चेक करके प्लग बदल के स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लग बदल के जब आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 4-5 किक लगाने पर ही गाड़ी स्टार्ट हो, क्योंकि हम पहले बहुत किकें लगा चुके हैं जिससे गाड़ी ओवर हो जाती है और नया प्लग डालने के तुरंत बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ऐसा हो सकता है 4-5 किक लेने पर गाड़ी स्टार्ट हो। तो इसी तरह की समस्या यदि आपके सामने भी कभी आ जाती है तो आप केवल उसका इतना सा ही ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।